8 बजे उसने फोन नहीं उठाया, तो 9 बजे इनका फोन आया, इनकी वाइफ का फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया मुझे, मैंने फोन किया, वो कहता आधा करते 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 11:30 बजे। तो फिर मैंने घर पे इन्फॉर्म किया कि ऐसे से बात हो चुकी है। फिर मैं गाड़ी स्टार्ट की, ये तो मेरी वाइफ वहां ही रोने लगी। अब इसकी एक वाइफ छोटी 4 साल की बच्ची है और एक बेटा है, ये कहाँ जाएंगे? इनको भी कंपनसेशन से कोई मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। ऑफिस वाले तो कुछ नहीं, ऑफिस वालों ने इन्फॉर्म भी नहीं किया इन लोगों को अभी तक। देखो अभी कितना टाइम था, 1 बजने जा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ऑफिस से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ऐसी नौकरी करने से फायदा क्या है? अब तो मोदी सरकार को सब कुछ दिखना चाहिए कि क्या हो रहा क्या नहीं। अब उसकी बच्ची को क्या होगा, छोटी 4 साल की, उसकी वाइफ का क्या होगा, भूखे मरेंगे वो? मेरे पास यही, तो मैं रोटी खा रहा 2 बजे, तो वो कह रहा क्या अगर मैं रोटी खा रहा हूँ सोने लगा, कह रहा ठीक है। तो 2 बजे आपकी ब्रदर से बात हुई है, 6 बजे मेरी इनकी उसने अपनी वाइफ से बात की, कहता मैं 8 बजे फोन करूंगा, तो जब बर्थ खुलना होता है तो 8 बजे उसने फोन नहीं उठाया, तो 9 बजे इनका फोन आया, इनकी वाइफ का फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया मुझे, मैंने फोन किया, वो कहता आधा करते 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 11:30 बजे। फिर मैंने अपने दोस्त को फोन किया कि ऐसे बात है, तो उन्होंने फिर ढूंढा, फिर उन्होंने दिखाया कि शशि अबरोल, नाम भी गलत लिखा शशि अबरोल, मैंने कहा शशि अबरोल नहीं, शशि भूषण अबरोल है, कहते शशि अबरोल है। तो फिर मैंने घर पे इन्फॉर्म किया कि ऐसे से बात हो चुकी है। फिर मैं गाड़ी स्टार्ट की, ये तो मेरी वाइफ वहां ही रोने लगी। अब इसकी एक वाइफ छोटी 4 साल की बच्ची है और एक बेटा है, कहाँ जाएंगे? इनको भी कंपनसेशन से कोई मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। ऑफिस वाले तो कुछ नहीं, ऑफिस वालों ने इन्फॉर्म भी नहीं किया इन लोगों को अभी तक। देखो अभी कितना टाइम था, 1 बजने जा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ऑफिस से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ऐसी नौकरी करने से फायदा क्या है? और इनके कुलीग का नंबर कहीं ढूंढा किसी से लिया, एचआर का, तो एचआर लिखता पेशेंस रखो, ये मैसेज है मेरे पास, नंबर देखना 14 देख सकते। ऐसे रिस्पॉन्स मिल रहा है इनके ऑफिस से। क्या बात हुई थी किससे? ब्रदर से। यही था कि कल वही 2 बजे हुई थी कि मैं रोटी खाकर सो रहा हूँ, कह रहा फिर शाम को बात करते हैं, बस यही बात हुई थी। तो रेगुलर बात होती रहती है? हाँ रेगुलर। कभी कुछ बताया कि आतंकवाद? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं बताया। कहते हम अपने एरिया में रहते हैं, अपने मैस में रहते हैं, अपने कमरे में रहते हैं, अपने ऑफिस में रहते हैं। इनको कमरा भी लौट पड़ना है ना, काम करने के बाद वहाँ चले जाते हैं। तो क्या कहेंगे इस तरह से बिहते लोगों पे जो अटैक हुआ है, क्या कहेंगे? सर इसके बारे में इस टाइम मेरा दिमाग अब खुश हो जाए, अपसेट पूरी रात चल गया है, मैं कुछ बोलने लग थका हूँ। क्या बोलेंगे कि जिस तरह उनको जल्द से जल्द मार गिराना चाहिए जिन्होंने ऐसे? वो तो होना चाहिए। अब मोदी सरकार कहती 370 खत्म होने सब कुछ ठीक है, तो मेरे ब्रदर चला गया। अब तो मोदी सरकार को सब कुछ दिखना चाहिए कि क्या हो रहा क्या नहीं। अब उसकी बच्ची को क्या होगा, छोटी 4 साल की, उसकी वाइफ का क्या होगा, भूखे मरेंगे वो? वगैरह जम्मू में वो नौकरियां बहुत मिल रही है, ये क्या है, सारे भूखे मरेंगे अब इसके बच्चे? या तो मोदी गवर्नमेंट दे अब इसका मायना, या गवर्नमेंट जॉब लगाए।